हेलो, हाउ आर यू माय फ्रेंड। आप देख रहे हैं अफशेक टेक्निकल चैनल। तो आज मैं एक ब्लोअर मोटर के बारे में बताने वाला हूँ। ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है, तो बोर्ड ऑन हो रहा है लेकिन ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है। तो उनका कहना है कि सब कुछ चेंज कर दिया है तभी भी नहीं चल रहा है। तो हम लोग पहले सबसे पहले अब हम लोग क्या काम करेंगे, तो जो प्रोग्राम आईसी से जो सिग्नल दे रहा है, जैसे अभी ये वाला जो रजिस्टर लगा है, सॉरी ट्रांजिस्टर लगा है, ट्रांजिस्टर और एक पैर यहाँ पे जो है पैर मीटर से 20 वोल्टेज में रखना है और बोर्ड ऑन होना चाहिए। बोर्ड ऑन करके यहाँ पे मीटर पर रखना है, तो 20 वोल्टेज में रखना है। तो रिमोट से हाई स्पीड लो स्पीड करेंगे तो तब ये यहाँ पर वोल्टेज अप एंड डाउन आपका मीटर में शो होगा। जब ये शो हो रहा है तो हम लोग का ठीक है। जब इस तरफ यहाँ पर रख के जब ये मीटर शो हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो इस तरफ रखिए, ठीक है, इस तरफ रखिए। तो जब यहाँ से यहाँ पर मीटर एक माइनस प्लस का जो ये जो मीटर का लगा के जब ये मीटर लगाए तो रिमोट से कंपेस करिए, शो हो रहा है, वोल्टेज आ रहा है, तो हम लोग को ये सही है प्रोग्राम आईसी से, ठीक है। जब भी तो मोटर तभी भी ऑन नहीं हो रहा है। ये रजिस्टर जो है ये खराब होने से तभी भी नहीं चलेगा। ये जो ट्रांजिस्टर है ये भी खराब हो गया तो तभी भी नहीं चलेगा, आपको इसको भी चेंज करना है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक फिल्टर, ये जो है ये न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल कनेक्शन वो लगा है, ठीक है, न्यूट्रल कनेक्शन इसका पहले से ऐड है। तो ये जो फेज का हो गया तो ये इस तरफ फेज आया, इसका फिल्टर करके तो ये ट्रांजिस्टर को ऑन कराता है कपलर, ठीक है, ऑन करा के ये हाई स्पीड का लोकल ये काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसमें क्या 3-4 पार्ट्स लगाए, जब नहीं चला तो इसको भी चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो। ये जितना ये जो सेक्शन का, ये जो सेक्शन है एक मोटर का सेक्शन है, ये मोटर का सेक्शन का ये जो डाइट लगा है और रजिस्टर लगा है 1, 2, 3 और एक कैपेसिटर लगा है जो बॉक्स वाला कैपेसिटर, उसको भी चेंज कर दो, ठीक है, इसको चेंज कर दो, इतने ही चेंज कर दो, हो जाएगा। जब भी ना हुआ तो एक कपलर ये वाला चेंज करना है, ठीक है, एक कपलर। तो आपका जब इस तरह वोल्टेज आता होगा, नहीं आगा हो तो इधर से प्रॉब्लम रहेगा। ये वाला आईसी चेंज करेंगे। आप जो बोर्ड जो बताए वो 3 आईसी है आपका, जो ये जो मोटर का आके यहाँ लगता है, ठीक है, यहाँ से ट्रैक मिसिंग होगा कि क्या होगा तो इसको चेक कर लेना है, ठीक है। तो इतना चेक कर रहे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आईसी लगा है आपके बोर्ड में जो मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट किए थे, तो ये जो है स्विंग मोटर के लिए, यहाँ के कनेक्शन के लिए, इसमें ये जैक नहीं है। तो जो स्विंग मोटर दोनों साइड का लगता है तो यहाँ पर एक आईसी ये देता है, ठीक है। ये जो आईसी है यहाँ से रिले कंप्रेसर का जो रिले ऑन कराता है और मोटर को ऑन कराता है। जब भी मोटर ऑन नहीं हो रहा है तो देखें, कंप्रेसर ऑन हो गया तो कंप्रेसर ऑन हो गया, रिले ऑन हो गया तो कंप्रेसर नहीं ऑन, मोटर नहीं हो रहा है तो आपको वोल्टेज नहीं चेक कर रहा है। यहाँ पे जो कंप्रेसर का जो ये सिग्नल दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो लगा है आके, तो इसको यहाँ पर शॉर्ट कर देना है, ऐसा ये दोनों पिन को शॉर्ट कर देना, ठीक है, जो ये भी मोटर ऑन होता है कि नहीं पता चल जाए, मोटर ऑन हो जाएगा तो रिले का जो वोल्टेज जो दे रहा है, जो माइनस वोल्टेज जो इसको दे रहा है ऑन करा रहा, तो ये मोटर को यहाँ पर शॉर्ट कर देना, मोटर को भी माइनस वोल्टेज आ जाएगा तो मोटर भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कभी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, देख के चेक करें। यहाँ से पहले चेक कर लें मीटर से शॉर्ट होगा तो सब भी बजेगा, ठीक है, तो यहाँ से शॉर्ट कर लेना, ठीक है। तो इतने पास जो आपको क्या इसका वैल्यू चाहिए था ना, तो मैं तो वैल्यू बता देता हूँ जूम करके, आप देख लीजिए, उसी सेम दिखा के जाएंगे, ठीक है। देखिए पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, तो आप इसको देख के ला सकते हैं, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है ना। तो ये ट्रांजिस्टर बीच वाला उसको भी ला सकते हैं और रजिस्टर दोनों भी नया ला सकते हैं। ये जो डाइट है वो तो 4007 है और ये भी रजिस्टर ख़राब हो तो इसको भी आप ला सकते हैं। इसको शॉर्ट स्क्रीन लेके इमेज कर लीजिए ना, तो मैं इमेज इसका भी साथ में आपको व्हाट्सएप में दे दूँगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आप ध्यान से करिए, इतने ही रहता है इसमें, ज़्यादातर नहीं है, ये सब 2-4 रुपये का खेल है, ठीक है। थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।